हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आर क्लास 9th मैथ्स क्लासेस। माय नेम इज मौशमी दास एंड दिस इज योर चैनल स्टडी विद आर्ट सी। लाइंस एंड एंगल्स का बच्चों ये होने वाला है हमारा लास्ट वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा, जिसमें हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड सारे एंगल्स और उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी। उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज हमें एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस में करना है। मेक श्योर यू वॉच इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट। तो चलो इन्हीं बात के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 6.2 का, देखो। इन फिगर 6.23, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वायर रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। यहाँ देखो अभी तीन चीजें गिवन में दी हुई हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया कि जितनी चीजें हमें गिवन में दी हुई होती हैं उनका हमें यूज 100% रहता है। तो इन्हीं तीनों का यूज करके हम कहाँ पहुंचेंगे, हम वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की। तो यहाँ पहला गिवन देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी है ना। कैसे मूव करेगा ये, फ्लो ऑफ क्वेश्चन कैसे चलेगा। देखो ए बी और सी डी पैरेलल है और यहाँ हमारा ट्रांसवर्सल है। ये हमारा एक्स दिया है और ये हमारा वाई दिया है। अब जो एक्स और वाई दोनों कौन से एंगल हैं, वो इंटीरियर एंगल्स है, और को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका है कि दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल यदि है तो पैरेलल लाइन के अंदर वाले जो दो एंगल होते हैं ऑब्ट्यूज और एक्यूट, इन दोनों एंगल का और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होना जरूरी है ना, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दे आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये ले लेंगे हमें इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा जो गिवन दिया है उसको देखो, सी डी पैरेलल है ई एफ से, सी डी ई एफ के पैरेलल है और यहां से हमारा ट्रांसवर्सल, ये है हमारा वाई और ये है हमारा जेड, है ना। ये जेड दिया है और ये हमारा वाई दिया है। अब देखो दोनों की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ रेशियो दे दी है, वाई रेशियो जेड हमें 3:7 दे दिया है। तो यदि हमने कॉमन फैक्टर को ए लेट किया तो y की वैल्यू हमें 3a मिल जाएगी और z की वैल्यू हमें 7a मिल जाएगी। 7 की जगह z हो गया फिर से, है ना, 7a मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू 7a है और y की वैल्यू 3a है। तो बच्चों यदि ये वाला एंगल हमें मिल जाता है तो देखो हम यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के a की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें मालूम है लीनियर पेयर के ऊपर के दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। और देखो ये एंगल जेड है और इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं बी एंगल। एंगल बी और जेड भी तो इक्वल है, दो पैरेलल लाइन के ऊपर वाले दोनों ऑब्ट्यूज एंगल, देखो पैरेलल लाइन के ऊपर वाले और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल जेड विल बी इक्वल टू एंगल बी, तो बी मिल गया मतलब ए मिल जाएगा। अच्छा कैसे मिलेगा वो देखते हैं, चलो फटाफट करना स्टार्ट करते हैं। यहां तक जिनको समझ में आ गया है मेरे साथ करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और गिवन लिख लेते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, सी डी पैरेलल टू ई एफ दिया है और तीसरा दिया है वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। अच्छा यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, इसे हम क्या ले लेते हैं, इसे हम ए ले लेते हैं, ठीक। तो यदि ये ए है तो कॉमन फैक्टर हम ए नहीं ले सकते और एक्स तो ले ही नहीं सकते, जनरली हम कॉमन फैक्टर एक्स लेते हैं, लेकिन यहाँ तो एक्स की वैल्यू ही निकालनी है ना। तो कॉमन फैक्टर लेट इट बी बी, बी ले लेते हैं कॉमन फैक्टर। तो लेट द कॉमन फैक्टर इज पी, देयरफॉर वाई की वैल्यू क्या हो जानी है, देखो वाई 3 का रेशियो है और जेड हमारा 7 का रेशियो है, तो वाई की वैल्यू 3b और जेड की वैल्यू मिल गई हमें 7b, ठीक। अब पहले वाला गिवन यूज करते हैं, व्हेन ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, अभी मैंने बताया बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। अच्छा यहाँ पे को इंटीरियर एंगल की जगह आप अलाइड एंगल्स भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों नाम सही है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरा वाला पैरेलल लाइन लेते हैं, व्हेन सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक। यहाँ पे हमने ए लेट किया है, ठीक, इस एंगल को ए लेट किया है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए
विल बी इक्वल टू एंगल जेड, ठीक। और क्यों? क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी मैंने समझाया इसलिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर से देख लो, देखो दो पैरेलल लाइन गई है और दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल्स हैं, है ना, तो ये इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है और दोनों इक्वल होते हैं, तो ए इज इक्वल टू जेड हो गया। अब हमें जो कॉमन रेशियो दिया है उसका यूज करते हैं। यहाँ वाई जेड इज इक्वल टू क्या है हमारा, जेड इज इक्वल टू सेवन भी है, तो जेड और ए एंगल तो इक्वल है, तो ए एंगल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेवन भी हो जाएगी ऑब्वियसली। तो देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू सेवन बी, है ना। जेड की वैल्यू यदि सेवन बी है, एंगल ए जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेवन बी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं हमारा लीनियर पेयर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी डी इज अ लाइन सेगमेंट, है ना, सी डी इज अ लाइन, सिंस सी डी इज अ लाइन, लाइन के ऊपर लीनियर पेयर लगाते हैं। एंगल वाई प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, तो हो जाएगा लीनियर पेयर के कारण, दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक। यहाँ पे रीजन लिखना मस्ट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं रीजन लिखा, ये ब्रैकेट में जो भी हम लिखते जा रहे हैं ये लिखना मस्ट है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ये हो गया, y की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू मालूम है, फटाफट से पुट कर देते हैं। y की वैल्यू है हमारी 3b और a की वैल्यू देखो 7b मिली हमें z के कारण, ये हो गई हमारी 7b इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से 10b इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो b की वैल्यू हमें मिल जानी है, b इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 10, b मिल गया हमें क्या, b विल बी इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, तो 18 डिग्री भी मिला है हमें, 18 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें तो अभी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू तक पहुंचना है, उसके लिए हमें y की वैल्यू चाहिए, तो बस देखो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे स्पेस करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ हमें y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू हमारा 3b है और b की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, y इज इक्वल टू हमारा 3b है और b की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, ये रही हमारी b की वैल्यू 18 डिग्री, तो 3 इंटू 18 कर देंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 54 डिग्री, ठीक, y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा y की वैल्यू, अब इक्वेशन 1 में हम इसे पुट कर देंगे, तो by putting the value of y in equation 1, तो क्या मिल जाएगा, देखो इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री था, है ना, इक्वेशन 1 का ये वाली हमारी इक्वेशन 1 थी, वो इंटीरियर एंगल की क्राइटेरिया जहाँ पे हमने लगाई थी, है ना, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे, x प्लस 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 में से 5 गया तो 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 126 डिग्री, यही हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना, पूरे डिटेल में मैंने समझाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर टू अगेन, ये इस एक्सरसाइज के तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान से देखना मस्ट है। इन फिगर 6.24, तो यहाँ हमें फिगर दिया है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ध्यान से देखो ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री, दोनों तरफ के एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हमें मालूम है परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब क्या जी ई डी 126 डिग्री, चल लेट्स मार्क इट, तो यहाँ हमारा ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितने डिग्री का हो गया, 126 डिग्री का हो जाएगा, ठीक, ये हो गया हमारा 126 डिग्री का, अच्छे से लिख दो, ये एंगल हो गया हमारा 126 डिग्री का, ठीक। आगे पढ़ते हैं, आगे और क्या दिया हुआ है, फाइंड ए जी ई, ध्यान से देखो ए जी ई को फाइंड करना है, तो यहाँ बीच में कौन सा लेटर है, जी लेटर है, तो मतलब इस वाले एंगल के बारे में बात हो रही है, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक, पहले तो ये हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ये वाला एंगल फाइंड करना है, दूसरा हमें जी ई एफ फाइंड करना है, देखो जी ई एफ, तो बीच में कौन सा लेटर, ई लेटर, अब पूरा ये वाला नहीं,
जीई एफ मतलब ये दो से रिलेटेड, ये जीई और एफ ई वाला आर्म जो है, ये दोनों, ये एंगल हमको फाइंड करना है। चले लेट्स चेंज द कलर, यहाँ से कलर थोड़ा चेंज करके दूसरा ले लेते हैं। ये एंगल हमें सेकेंड टाइम फाइंड करना है, ये वाला, ठीक। तो ये हमें फाइंड करना है, और थर्ड क्या फाइंड करना है हमें, एफ जी ई, एफ जी ई फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल, बीच में जी है तो ये वाला एंगल। तो तीन कौन से एंगल फाइंड आउट करना है ये समझ में आ गया, और क्या क्या गिवन में दिया हुआ है ये समझ में आ गया। अब करेंगे कैसे ये देखो, यहाँ से सबसे पहला गिवन हमें दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये मैंने बना दिया ए बी और ये मैंने बना दिया सी डी, ठीक, ये बी है। और हमें कौन सा एंगल पहले फाइंड करना है, हमें ए जी ई फाइंड करना है, तो ए जी ई के लिए हमें जी चाहिए, ये रहा मेरा जी, ठीक, और यहाँ हमारा ई पॉइंट है, तो ये रहा ई। अब ध्यान से देखो, हमें जी ई टी की वैल्यू दी है 126 डिग्री, ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है 126 डिग्री, तो बच्चों ये वाली एंगल भी क्या हो जाएगी, 126 डिग्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट यानी अपोजिट साइड के, ऑल्टरनेट यानी अपोजिट साइड के अंदर के एंगल। और मैंने देखो बोला था, जब भी जेड जैसा बनता है तो इट मींस यहाँ पे हमें दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिलेंगे। ये जेड एक्चुअल में सो जा रहा है, लेकिन है तो जेड जेड जैसा ही ना। तो ये हमारा 126 डिग्री का है ई एंगल, तो जी एंगल भी कितने का हो जाएगा, 126 डिग्री, और रीजन में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पहला वाला हमने फाइंड आउट कर लिया, पहला वाला एंगल हमारा 126 डिग्री आ जाएगा, 126 डिग्री का आ जाएगा, सिंस दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो फटाफट से लिख लेते हैं, समझ में आया। मैंने इसीलिए ई एफ को ड्रॉ नहीं किया बच्चों, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ये पूरा एंगल क्योंकि हमारा 126 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि जेड बन रहा है, लेटा हुआ जेड, कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो दे आर इक्वल। तो फटाफट से इन सारी चीजों को लिख लेते हैं, सारी चीजों को करते हैं डिलीट और कलर को कर देते हैं चेंज। हाँ, गिवन में, गिवन वाली चीज है ए बी पैरेलल टू सी डी, फिर ई एफ दिया हुआ है, ई एफ परपेंडिकुलर दिया है सी डी के, इट मींस 90 डिग्री दिया है, और तीसरा हमें क्या दिया है जिसका हमें यूज करना है अभी, डी ई डी इज इक्वल टू 126। चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड यहाँ बच्चों ट्रांसवर्सल को स्पेसिफाई करना जरूरी है। ध्यान से देखो, इस फिगर में जी ई भी एक ट्रांसवर्सल हो सकता है और एफ ई भी तो एक ट्रांसवर्सल हो सकता है, यदि ये दो लाइन है, और स्ट्रेट भी तो ट्रांसवर्सल होता है, बिल्कुल होता है, तो ये भी यहाँ पे एफ ई भी एक ट्रांसवर्सल है और यहाँ पे ये जी ई भी, तो वेन देर आर टू ट्रांसवर्सल, एक ही में यदि दो ट्रांसवर्सल, ये ई होगा, तो एक ही में यदि दो ट्रांसवर्सल है, तो बच्चों हमको ट्रांसवर्सल का नाम स्पेसिफाई करना मस्ट है, ठीक, तो करना ही पड़ेगा। तो चल यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हैं, एंड जी ई इज द ट्रांसवर्सल, इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। ये बताएंगे कि ये जो ए जी ई वाला एंगल है ये इक्वल है ये ई वाले एंगल से, जी ई डी एंगल से, ठीक, देयरफॉर एंगल जी ई टी, पहले एंगल ए जी ई लिख लेते हैं, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ए, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब नेक्स्ट, अच्छा इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड नहीं की है, ए जी ई की वैल्यू हमें गिवन में दी हुई है, नहीं, जी ई डी की वैल्यू हमें गिवन में दी हुई है 126, है ना, तो यहाँ पे सिंस एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए जी ई उसी के इक्वल है, तो ए जी ई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 126। ये पहला वाला हमारा हो गया सॉल्व, ये हमारा फर्स्ट वाले का आ गया वैल्यू, ठीक। अब सेकेंड वाले की तरफ चलते हैं, सेकेंड वाला हमें क्या फाइंड करना है, जी ई एफ फाइंड करना है,
GEF फाइंड करने के लिए बच्चों ये वाला देखो, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सिंपली हमें मालूम है ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का है। लेट्स टेक अ डार्क कलर। ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक। और ये जो बड़ा वाला एंगल है, अभी हमने देखा कि ये बड़ा वाला एंगल जो है, ये बड़ा वाला एंगल जो है पूरा एंगल ये 126 डिग्री का दिया हुआ है ना। तो आपने यदि पूरे में से, इस पूरे में से ये 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचेगा क्या, GEF बचेगा कि नहीं, ये वाला एंगल बचेगा। कैसे, फिर से देखो, इन सबको करते हैं इरेज। ये है हमारा 90 डिग्री, ठीक। अब इस पूरे में से यदि मैंने 90 डिग्री को हटा दिया, 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कौन सा एंगल बचेगा, वही जो हमें फाइंड आउट करना है, GEF। तो यहाँ पे हमें सेकेंड वाले पॉइंट के लिए, सेकेंड GEF की वैल्यू निकालने के लिए 126 में से 90 डिग्री को माइनस कर देना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे, देखो, एंगल एंगल GED को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, एंगल GEF प्लस एंगल FED। देखो फिर से, एंगल EED, ये बड़े वाले एंगल को हमने ब्रेक कर दिया GEF, ठीक। फिर F से शुरू करो, FED में, तो एक ये एंगल और एक ये एंगल, दोनों में ब्रेक कर दिया। अब हमें जिन जिन की वैल्यू मालूम है, हमें GED की वैल्यू मालूम है 126 है और FED की वैल्यू मालूम है 90 डिग्री है, तो दोनों को पुट करके GEF की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा 126, ये हमको निकालना है, प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री को कर देते हैं ट्रांसपोज, तो GEF इज इक्वल टू हो जाएगा 126 माइनस 90, विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो दूसरा वाला भी हमें मिल गया 36 डिग्री। ये हमें मिल चुका है कितना, 126 डिग्री, और ये हमें मिल गया अब 36 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा ध्यान से देखो, ये भी तो हमारा परपेंडिकुलर है क्योंकि ये गिवन में दिया हुआ है, EF इज परपेंडिकुलर टू CD और AB पैरेलल है CD के, तो F एंगल भी हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। अब थर्ड देखो, हमें निकालना क्या है, FGE निकालना है। तो ध्यान से देखो, FGE बीच में कौन सा G लेटर है, मतलब किस वाले एंगल के बारे में बात हो रही है, इस G एंगल के बारे में, अभी हमको ये निकालना है। तो यहाँ यदि आपने देखा, तो यदि मैं इसको रीड्रॉ करूं इस तरह से, ये है हमारा F, ये है हमारा E और ये है हमारा G। इसकी वैल्यू हमें मालूम है 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू भी हमने अभी फाइंड की 36 डिग्री। क्या हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसी को तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट। यहाँ हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर जी की वैल्यू निकालेंगे, इजी। चल फटाफट से इसको भी कर लेते हैं, इन सबको कर देते हैं इरेज, चाहिए उन्हें लिख लेते हैं। ये है हमारा 90 डिग्री और ये है, हमने अभी फाइंड आउट किया 36 डिग्री। हाँ थोड़े अच्छे से लिख, 36 डिग्री, ठीक। तो कौन सा ट्राइंगल लेना है, GEF वाला ट्राइंगल, ओके। तो लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल GEF, ट्राइंगल GEF। अब देखो हमें FGE की वैल्यू निकालनी है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहां लिख लेते हैं एंगल FGE। तो यहाँ ध्यान से देखो, FGE लिख लिया है हमने, अब यहाँ पे E पे एंड किया, तो E से स्टार्ट करेंगे, EFG सेकेंड एंगल। इस ट्राइंगल के तीन एंगल लेने हैं ना हमें, तो यहाँ पे FGE ले लिया, अब E पे खत्म हुआ तो E से स्टार्ट कर, EFG दूसरा ले लो, प्लस एंगल EFG दूसरा ले लिया। अब G पे खत्म हुआ है ना, G से स्टार्ट होके कौन सा एंगल बनेगा, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज ही चलना, GEF, तो एंगल GEF ले लेंगे, इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये हो गया, हमें तीनों एंगल का सम मिल गया। अब हमें जिनकी वैल्यूज मालूम है उनको पुट करना है, फाइनल आंसर मिल जाएगा। एंगल एफ जी ई की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, प्लस ई एफ जी की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है, प्लस GEF की वैल्यू हमारी 36 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल FGE की वैल्यू क्या हो जानी है, 180 माइनस 126 डिग्री,
विच इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा हमारा 7 में से 2 गया तो 5, तो यहाँ 54 डिग्री। तो लास्ट हमने जो फाइंड आउट करना था एफ जी ई की वैल्यू, ये क्या आ गई हमारी 54 डिग्री, ये मिल गया हमें 54 डिग्री। तो सारे इस तरह से हमको फाइंड आउट करने हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है ना। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को फाइंड आउट करना है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो क्या दिया है। इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130, फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो देखो यहाँ पे हमें पहला दिया हुआ है गिवन पी क्यू एस टी के पैरेलल है, फिर दिया है एंगल क्यू की वैल्यू 110 है और एंगल एस की वैल्यू 130 है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल आर। बच्चों ये बीच वाला लेटर देखो, बीच वाला लेटर आर है, मतलब आर एंगल के बारे में हमको पूछ रहे हैं, है ना। आर एंगल को फाइंड आउट करने को बोले, क्यू आर एस फाइंड आउट करने। तो बच्चों यहाँ पे जब तक आर पॉइंट से कोई लाइन पैरेलल ना जाए तो हम पैरेलल लाइन के एंगल्स की कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, ट्रांसवर्सल से रिलेटेड जितने भी एंगल्स हैं। तो यहाँ याद रखना, ये कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें आर पॉइंट से पास होती हुई विच इज पैरेलल टू पी क्यू, और ऑब्वियसली पी क्यू के पैरेलल है तो एस टी के भी पैरेलल ही होगा, है ना। तो ड्रॉ अ लाइन, हमें ये कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। तो चलो पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे गिवन में पी क्यू पैरेलल दिया है एस के, और एंगल क्यू पी क्यू आर पूरा ही लिख लेते हैं, पी क्यू आर दिया है 110 एंड एंगल आर एस टी दिया है 130। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन करना है, एज आई टोल्ड यू। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख लेंगे, ड्रॉ एक्स वाई, ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू पासिंग थ्रू पॉइंट आर। ठीक, ये लिख दिया हमने, अब बस कुछ नहीं करना। देखो दो चले तो ट्रांसवर्सल को स्पेसिफाई करना मस्ट, ठीक याद रखना, दो दोनों ऑब्वियसली दो, एक ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल इक्वल नहीं हो सकते, दो ही चीज तो पड़ी है, या फिर इक्वल होंगे या फिर उनका सम 180 डिग्री होगा, राइट। तो यहाँ इक्वल तो हो ही नहीं सकते, एक मोटू है एक पतलू है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। सिमिलरली दूसरे वाले में भी देखो, ये वाला एस एंगल जो है ये आर एंगल के साथ को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम दोनों में को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ 130 यूज करेंगे या 110 यूज करेंगे, और आर की वैल्यू, इस तरफ जो आर है एंगल इसकी वैल्यू निकालेंगे और इस तरफ जो आर एंगल है इसकी वैल्यू, दिख रहा है। हाँ, लेट्स टेक अनदर कलर। ये वाले आर की वैल्यू मिला निकालेंगे 110 की हेल्प से, और ये वाला आर एंगल निकालेंगे 130 की हेल्प से, को इंटीरियर एंगल को यूज करके। तो देखो ये लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर के तीनों एंगल का सम कितना होगा, ये इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ लग जाएगी हमारे लीनियर पेयर एक्सियम की प्रॉपर्टी और ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, तो हम निकाल लेंगे हमारा आर। समझ में आ गया होगा, चलो करना स्टार्ट करते हैं। ये सब चीजों को पहले इरेज कर देते हैं, तो पैरेलल लाइन भी इरेज कर दिया मैंने, ये रही हमारी पैरेलल लाइन। ठीक, अब लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन पी क्यू PQ पैरेलल टू एक्स वाई एंड ट्रांसवर्सल स्पेसिफाई करना जरूरी है, बताया मैंने, एंड क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल। ठीक, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल पूरा पूरा एंगल लिखेंगे, पी क्यू एंगल के बारे में लिख रहे हैं तो बीच में क्यू आना चाहिए, आगे पीछे पी और आर, ठीक, बीच में क्यू आगे पीछे पी और आर लिख के देख लेना, फिर प्लस अब ये वाला आर एंगल, इस आर एंगल का नाम क्या होगा, पूरा नाम लिखना है, बीच में तो हमारा आर आना चाहिए क्योंकि आर एंगल के बारे में बात हो रही है, राइट, आगे पीछे क्यू और एक्स आ जाएगा, क्यू और एक्स। ठीक, इस तरह से हमें एंगल के पूरे पूरे नाम लिखने हैं, इफ दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री वाई को इंटीरियर एंगल्स, दे आर को
इंटीरियर एंगल्स, ठीक, एंगल्स का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। अब पी क्यू आर की वैल्यू हमें 110 दी हुई है, 110 पुट किया प्लस एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से एंगल क्यू आर एक्स हमको मिल गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक। तो ये हमें पहला हमने ढूंढ लिया 70 डिग्री, कौन सा वाला, इस तरफ वाला एंगल का हमें आ गया मेजर 70 डिग्री। अब हम इस तरफ वाले एंगल को ढूंढ लेते हैं, ठीक, कैसे, सेम वही को इंटीरियर एंगल लेकिन अब पैरेलल लाइन अलग होंगे, है ना। नाउ अब दूसरा पैरेलल लाइन लेते हैं, व्हेन एस टी पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू एक्स वाई, अब ट्रांसवर्सल का नाम है ना, एंड ये देखो ये वाला ट्रांसवर्सल है एस आर, अभी क्यू आर ट्रांसवर्सल था, अब ये एस टी से, एस टी और आर वाई से रिलेट करता हुआ ट्रांसवर्सल कौन सा है, एस आर, ठीक, एंड एस आर इज द ट्रांसवर्सल, दैट इज द ट्रांसवर्सल, ठीक। तो देयरफॉर अगेन एंगल एस का नाम क्या दिया है, वो तो क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएगा, आर एस टी दिया हुआ है तो आर एस टी ही लिखते हैं, प्लस एंगल ये इस आर का नाम क्या लिखेंगे, आर बीच में आना चाहिए, ये वाले एंगल आर को लिखना है ना, आर तो तीनों है, ये तीनों आर एंगल है, तो हमें स्पेसिफाई करना जरूरी है कि ये कौन सा आर एंगल है, थ्री लेटर वाला नाम लिखेंगे, बीच में आर आएगा तो बीच में आर लिख दिया, स्टार्ट में आप एक जगह एस और एक जगह वाई, स्टार्ट और एंड में एस और वाई, ये हो गया एस आर वाई, ठीक, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया हमारा को इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स, ठीक। अब निकाल लेते हैं यहाँ 130 डिग्री हमें वैल्यू दी हुई है, प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से एंगल एस आर वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 180 माइनस 130 इक्वल टू 15 डिग्री, ये मिल गया हमें, इस तरफ के आर की वैल्यू भी मिल गई हमें, देखो इस आर की वैल्यू हमें 50 डिग्री। अब हम क्या लगा देते हैं, लीनियर पैर एक्सियम लगा देते हैं, ठीक, तो हमें जो हमें चाहिए क्यू आर एस की वैल्यू चाहिए, ये मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे तो स्पेस मुझे दिख नहीं रहा है, लेट्स चेक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिल चुका है देख लेते हैं, पहले हमें एक्स आर वाई लाइन सेगमेंट लेनी है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स आर वाई इज अ लाइन, ठीक। तो यहाँ देखो तीनों एंगल के नाम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंगल हो जाएगा हमारा एक्स आर क्यू, ठीक, फिर क्यू पे छोड़ा तो क्यू से स्टार्ट करो क्यू आर एस, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा एस आर वाई हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, एक्स आर क्यू लिखेंगे पहले, एक्स आर क्यू लिखा हमने एंगल, फिर प्लस एंगल क्यू पे छोड़ा तो क्यू से स्टार्ट करेंगे क्यू आर एस, क्यू आर एस है ना, हाँ क्यू आर एस है, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक, स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हो आप, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमें एक्स आर क्यू की वैल्यू क्या मिली हुई है, एक की 70 और एक की 50 मिली है, हाँ एक की 70 और एक की 50 मिली है, तो यहाँ हमें इसकी वैल्यू हमें मिली है 70 प्लस एंगल क्यू आर एस, तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस इसकी वैल्यू हमें 50 मिली है इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब बस सॉल्व करना है, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 प्लस 50 हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, क्यू आर एस की वैल्यू निकालने को बोली थी हमने, ये मिल गया हमें एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, क्या दिया है क्वेश्चन में, इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल 50 डिग्री, ये हमको 50 डिग्री दिया हुआ है पी एंगल, फिर एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री,
पी आर डी ये एंगल हमें 127 डिग्री का दिया है। फाइंड एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले देखो एक्स को कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ हमारा कुछ इस तरह से ये दोनों पैरेलल लाइन जा रही है, ये ए बी है और ये हमारा सी डी है। ठीक, यदि ये वाला ट्रांसवर्सल हमने यूज किया, अगेन यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल है तो ध्यान से देखना, ये वाला ट्रांसवर्सल यदि यूज किया, ये पी है और यहाँ पे हमारा क्यू है ना, तो ये एंगल एक्स है, यहाँ पे हमारा एक्स लिख देते हैं पहले। ये वाला एंगल देखो हमें 50 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, समझ में आया ये दोनों कौन से एंगल हो गए। जेड बना रहा है ये, यहाँ से देखो ये जेड बन रहा है, तो दे आर देखो ऑल्टरनेट साइड में, अपोजिट साइड में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें सिंपली क्या मिल गई, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। अच्छा इसको पूरा लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन वाली चीजें आप नोट कर लोगे, गिवन में सारा ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये तीनों हमको गिवन में नोट कर लेना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल दो है, इसीलिए स्पेसिफाई करना जरूरी है यहाँ कौन सा ट्रांसवर्सल यूज करें, पी क्यू है ना, तो ये पी क्यू, ये वाला ट्रांसवर्सल यूज करें। तो एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल इज द, पहले इन सारी चीजों को कर देते हैं इरेज क्योंकि हमको चाहिए जगह, समझ में तो आ गया होगा। पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, एंगल एक्स, दोनों एक्स लिख, एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 और रीजन में क्या लिख देंगे, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर गर्ल्स। ठीक, ये तो हो गया हमारा एक्स की वैल्यू तो आ ही गई, अब वाई की वैल्यू भी देखो इजीली आ जाएगी। कैसे देखो, यहाँ अगेन मैंने दो पैरेलल लाइन बना दी। अब हम दूसरा वाला ट्रांसवर्सल लेंगे, ये वाला ट्रांसवर्सल, ये हमारा पी है, यहाँ हमारा आर है, यहाँ हमारा डी है, ये एंगल हमें दिया हुआ है 127 डिग्री का। अब ये यदि 127 डिग्री का है तो ये एंगल पी बड़ा वाला ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 127, लिखना था 5 लिख दिया पता नहीं क्यों, ये हो जाएगा हमारा 127 डिग्री का। तो यहाँ ध्यान से देखो हम कौन से वाले ट्रांसवर्सल की बात करें, थोड़ा डार्क कलर ले लेती हूँ, यहाँ हम इस वाले ट्रांसवर्सल की बात करें। यदि मैंने ये ए पी, यहाँ पी से आर आए और डी में गए, अगेन लेटा हुआ जेड है, लेकिन देखो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये एंगल 127 डिग्री, तो दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं कि नहीं, ये जैसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से ए पी आर की वैल्यू आपको मिल क्या मिल जानी है, 127 डिग्री मिल जानी है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे ये यदि पूरा एंगल, ये पूरा एंगल यदि 127 डिग्री का है, उसमें से यदि आपने 50 को माइनस कर दिया तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं, तो इस तरह से हमको निकालना है सेकंड वाला। चलो अच्छा, दो तरह से निकाल सकते हैं, दूसरा एक और मेथड लीनियर पेयर लगा के भी आप कर सकते हो। यहाँ से आपने इसको निकाल लिया लीनियर पेयर के हेल्प से, 127 माइनस 180, सॉरी उल्टा बोल दिया, 180 माइनस 127 कर दो लीनियर पेयर की हेल्प से, तो ये आपको कितने डिग्री का मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये 3 और 53 डिग्री मिल जाएगा। एक लीनियर पेयर से ये 53 मिल जाएगा, एक्स ऑलरेडी हमें 50 मिल ही चुका है, तो यहाँ पे एंगल्स आप प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो, जो इजी लगेगा उस मेथड से कर लेना। इन तरह इन क्वेश्चंस को करने के बच्चों एन नंबर ऑफ मेथड होते हैं, जो आपको इजी लगे उस मेथड से करो। तो यहाँ पे मैं दोनों मेथड आपको बता देती हूँ। एक मेथड जो मैंने बताया यहाँ पे, व्हेन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड दूसरा ट्रांसवर्सल हम कौन सा ले रहे हैं, पी आर इज द ट्रांसवर्सल, इज द ट्रांसवर्सल। ठीक, यहाँ पे ऐसे लिखना है। अच्छा, देयरफोर कौन से दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए पी आर, देखो बीच में पी एंगल होना चाहिए, पी एंगल के बारे में बात हो रही है, पी एंगल के बारे में बात हो रही है तो बीच में पी एंगल होना चाहिए, आगे ए और लास्ट में आर, तो ए पी आर हो गया, इज इक्वल टू एंगल पी आर, पी पहले लिखना था पी आर डी। तो यहाँ ध्यान से देखो ये पी ये आर ये डी, आर एंगल की वैल्यू हमें मालूम है 127 डिग्री, तो यहाँ ए पी आर भी कितने डिग्री का हो गया, 127 डिग्री, तो हम लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू 127 डिग्री। रीजन लिखना जरूरी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, यहाँ से हमें ए पी आर की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ ध्यान से देखो, एंगल ए पी आर को हम तोड़ के यदि लिखें तो एंगल ए पी क्यू प्लस, क्यू पे छोड़ा फिर अगेन क्यू से स्टार्ट करेंगे, एंगल क्यू पी आर, दोनों की वैल्यू के इक्वल होगा ए पी आर। फिर से देखो
ये ए पी आर है, ये है ए, ये है पी और ये है आर। ठीक, यहां से हमारा एक एंगल जा रहा है, ये हमें मिल चुका है 126 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से। तो ये 126 ही है और ये हमारा 50 डिग्री है, तो ये 126 में से आप इतने माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा, है ना। यही कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली लिख दो, वैल्यूज लिख देते हैं। एंगल ए पी आर की वैल्यू हमें 127 डिग्री मिली है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से। ए पी क्यू, देखो ए पी क्यू का है, ए पी क्यू कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। यहाँ लिख देते हैं 50 और ये तो हमें निकालना है क्यू पी आर। यहाँ से हमें देखो एंगल क्यू पी आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 127 माइनस 50 विच इज इक्वल टू, यहाँ तो 7 ही आएगा और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो अगेन 7 ही आएगा, 6 7 8 9 10 11 12, यस 7 ही आएगा, तो 77 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ओके अब ऑल्टरनेट मेथड देख लेते हैं, जो मैंने अभी बताया एंगल सम प्रॉपर्टी वाला ऑल्टरनेट मेथड जो है, ये देखो कैसे करेंगे। हाँ अलग कलर ले लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लीनियर पेयर लगा देंगे, कहाँ पे, ये हमें 127 डिग्री मालूम है ना, एक्स की वैल्यू तो एक ही है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हेल्प से 50 डिग्री। दूसरा वाला मैं बता रही हूँ वाई वाले का ऑल्टरनेट मेथड, ये दोनों का सम 180 डिग्री, यहाँ लिखते हैं एक्स, सॉरी एक्स नहीं है, क्यू आर डी इज अ लाइन, ठीक, क्यू आर डी के ऊपर एक बन रहा है पी आर क्यू और दूसरा पी आर डी, है ना। पी आर क्यू ले लेते हैं पहले, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी, देखो आर बीच में आना चाहिए, आर के बारे में बात हो रही है, इज इक्वल टू 127 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से, हाँ सॉरी, इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखना था, तो 127 लीनियर पेयर 180 डिग्री, ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। ठीक, यहाँ से किसकी वैल्यू मालूम है, पी आर डी की वैल्यू मालूम है हमें, पी आर डी की वैल्यू 127 डिग्री है, पुट कर देते हैं, एंगल पी आर क्यू प्लस 127 इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस कर देंगे तो हमें अंदर वाला आर एंगल मिल जाएगा, पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 127 विच इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल गया 3, यहाँ से अभी हमने लिखा था 53 मिल रहा था, है ना। तो अब हमें ये मिल गया 53 डिग्री, इसके आगे कैसे करेंगे, इसे मैं यहाँ पे लाइन की देती हूँ, है ना, कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू आर हमें ट्राइंगल दिख रहा है, देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, पुट कर देते हैं, जिन जिन की वैल्यू मालूम है, हमें पी की वैल्यू तो निकालनी है, ये हमको वाई है, वाई निकालना है हमें, प्लस क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 50 और आर की वैल्यू अभी हमने निकाली 53, ये हो गया 53 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू देखो दोनों मेथड से सेम ही मिलेगी, वाई इज इक्वल टू 180 माइनस यहाँ से 103 मिला, तो यहाँ से हमारा 7 आया माइनस करके अगेन कैरी दिया, तो ये भी हो गया हमारा 77 डिग्री। तो यहाँ आप किसी भी मेथड से निकालो वाई की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 77 डिग्री। ओके तो दोनों मेथड आपको मैंने बता दिया, आपको जो मेथड इजी लगेगा उस मेथड से करना। ओके नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन नंबर 5, अरे जगह छोड़ी थी यहाँ भी कर सकते हैं। ओके फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आता ही है और थोड़ा सा साइंस भी मिक्स है इसमें, समझ लेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पी क्यू और आर एस दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, एक इंसिडेंट रे आई ए बी स्ट्राइक की पी क्यू मिरर पे एट पॉइंट बी, फिर क्या दिया है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और ऑब्वियसली इंसिडेंट हुई है मिरर पे तो रिफ्लेक्ट तो होगी, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है बी सी पाथ के थ्रू, फिर क्या दिया है, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, फिर आके आर एस मिरर पे टकराई किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे टकराई, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और फिर सी डी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो यहाँ प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें क्या कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें ए बी को पैरेलल प्रूव करना है सी डी के, मतलब इंसिडेंट ए बी, इंसिडेंट रे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमें प्रूव करना है, मेन हमारा यहाँ पे
ध्यान देने की बात है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे हमें साइंस का भी थोड़ा सा यूज है। क्या यूज है उसके लिए, देखो हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल सॉरी इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब हमें यहाँ पे यदि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये जो एंगल होता है बच्चों, ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल एंगल बनाती है ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अकॉर्डिंग टू साइंस हमें मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से हम आई और आर को हटा देते, क्योंकि हमें तो नाम चाहिए इन एंगल्स का, हम दे देंगे इनको नाम एंगल 1, एंगल 2, इसे दे देते हैं एंगल 3, और इसे दे देते हैं एंगल 4, है ना। पूरा पूरा नाम लिखने की जगह हम नाम दे देंगे 1 2 3 4, तो इजी हो जाएगा हमारा सॉल्व करना। तो यहाँ से हमें देखो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली ये वाला भी देखो, यहाँ ये जो BC लाइन आ रही है और टकरा रही है RS पे, तो RS के लिए तो ये इंसिडेंस रे हुई, है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ये हमारा 3 वाला, और 4 वाला हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है। अगेन एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, वही यूज करके, है ना, सेम लॉ यूज करके। तो यहाँ से हमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल मिल जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 मिल जाएंगे। फटाफट से इन सारी चीजों को नोट कर लेते हैं और हमें क्या करना है, रिजॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है, हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसे दे देते हैं बी ई दे देते हैं, और इसे डी एफ दे देते हैं, नहीं सॉरी सी एफ नाम दे देते हैं। ठीक, तो ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, ये कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। तो लेट्स राइट, ये सारी चीजें पहले हम लिख लेते हैं, सॉल्व स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लिखना अच्छे से जरूरी है ना। तो पहली चीज देखो, पी क्यू पैरेलल है आर एस से, दोनों मिरर पैरेलल में रखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा पी क्यू गिवन में दिया है, पी क्यू पैरेलल है आर एस से, ठीक, ये लिख लेंगे। और हमें जो कंस्ट्रक्शन में करना है वो कंस्ट्रक्शन लिखना है यहाँ पे जरूरी है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ ड्रॉ थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ मैं, BE परपेंडिकुलर टू PQ, BE परपेंडिकुलर एंड दूसरा क्या है, CF परपेंडिकुलर टू RS, R, ठीक, ये लिख लेंगे। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और जो हमने साइंस वाला यूज किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो लिखना जरूरी है, यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे। सिंस या वी नो दैट, भी लिख सकते हो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस से हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे हम एंगल आर से डिनोट करते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा इक्वल एंगल 2 के, एंड एंगल 3 हो जाएगा इक्वल एंगल 4 के। इतना हमने समझ लिया, लिख लिया। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ देखो, अब हम क्या लेंगे, ये देखो BE और CF, ये दोनों एंगल्स, पहले यहाँ पे नाम लिख लेते हैं जो जो हमने लिया। लेट्स राइट इट, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 एंगल है, ये हमारा 3 एंगल है, और ये हमारा 4 एंगल है, ठीक। अब ध्यान कहाँ देना है, हमारा BE जो है और CF, ये दोनों भी तो पैरेलल लाइन है बच्चों। जब भी हम परपेंडिकुलर, दो पैरेलल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, है ना, ये 90 डिग्री, यहाँ ये आके बीच होगा तो ये भी 90 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं रहती है। सिंपली हम लिखेंगे BE पैरेलल टू CF है, क्यों है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ क्या लिखेंगे, पहले इस चीज को पहले लिख लेते हैं, सिंस BE परपेंडिकुलर टू PQ, BE परपेंडिकुलर टू PQ एंड CF परपेंडिकुलर टू RS, देयरफॉर BE पैरेलल टू CF, BE इज पैरेलल टू, BE E लिखना था, C लिख दिया मैंने, BE इज पैरेलल टू CF। अब इससे होगा क्या,
ये याद रखना, ये सेकंड स्टेप है हमारा, इसे याद रखना जरूरी है। यहाँ देखो ध्यान से, ये मैंने ले लिया बीई, ये है हमारा बी और ये है हमारा ई, और यहाँ है हमारा सी एफ, ये है सी और ये एफ है, और ये बी सी जो है वो हमारा ट्रांसवर्सल है। अब ध्यान से देखो, यहाँ जेड बन रहा है, लेटा हुआ है तो क्या हुआ, बन तो रहा है ना, कुछ इस तरह से यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये इस तरह से जेड बन रहा है कि नहीं। दीज टू एंगल्स आर व्हाट, दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। ये ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन लेटे हुए हैं और एक ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये हमारा एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन वर्टिकली दे दिए हैं, हॉरिजॉन्टली ना देखे, लेकिन यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो बनेंगे, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल, कौन से दो यहाँ मार्क कर ले, ये जो एंगल टू है ये इक्वल है एंगल थ्री के, क्यों, क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो इस चीज को हमको स्पेसिफाई करना है, देयरफॉर बी इज पैरेलल टू सी एफ हमने लिख दिया। अब हमें ट्रांसवर्सल भी लिखना, एक ही ट्रांसवर्सल है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, सिंस बीई पैरेलल टू सी एफ, बीई पैरेलल टू सी एफ एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, बी सी इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल टू विल बी इक्वल टू एंगल थ्री। इतना यदि आपने कर लिया तो कहानी खत्म, यहाँ से हमारा आंसर आ जाना है, कैसे आना है वो मैं बताती हूँ। ये हम रीजन में क्या लिख देते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखना है हमको, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, पूरा पूरा लिखना, ठीक, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम ट्वाइस कर देंगे, टू टाइम्स ऑफ एंगल, अच्छा एंगल टू इक्वल है एंगल थ्री से, तो ट्वाइस ऑफ एंगल टू भी इक्वल होगा एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री से, कैसे देखो, यदि हमारा 30 डिग्री इक्वल है 30 डिग्री के, तो टू यदि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ट्वाइस ऑफ एंगल 30 और ट्वाइस ऑफ एंगल 30 यदि करेंगे, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। वही चीज यहाँ पे, एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल है तो उसका डबल भी क्या होगा, इक्वल होगा, हमने डबल कर दिया इसको। डबल करके हम क्या करेंगे, एंगल टू को अलग अलग सेपरेट करके, एंगल टू प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंगल टू को रिप्लेस कर देंगे वन से, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर हमने लिखा था एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, एंगल थ्री और एंगल फोर इक्वल है, तो हमें टू और थ्री की जरूरत अब नहीं है, हमें तो पूरा ए बी सी चाहिए। देखो हमें तो ए बी सी, ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल यदि हमने प्रूव कर दिया, तो देखो बच्चों कन्वर्स भी ट्रू होता है, दो लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल यदि गया तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यदि इक्वल तो जिन लाइन के बीच में ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। तो यहाँ पे हम कन्वर्स यूज करेंगे, यहाँ यदि हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल बी सी डी के, इट मीन्स दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दे आर इक्वल, इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक, समझ में आया कंक्लूजन। अब लिख लेते हैं इसको, एक जगह टू को चेंज करके वन कर देंगे और एक जगह थ्री को चेंज करके फोर कर देंगे, क्योंकि हमें वन प्लस टू चाहिए, वन प्लस टू हमारा देखो वन प्लस टू पूरा बी एंगल हो जाएगा और थ्री प्लस फोर हमारा पूरा सी एंगल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक, वही करना है हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल वन, इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, ये लिखेंगे और रीजन में हम फ्रॉम इक्वेशन वन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक। पीछे आई थिंक पीछे जगह छोड़ी होगी मैंने, हाँ हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि वहां पे थोड़ा सा जगह कम हो रहा है। एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू आ रहा है हमारा एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, और रीजन में हमको लिखना जरूरी है फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। अब देखो एंगल वन और एंगल टू की जगह हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, लिख सकते हैं ये देखो ये है एंगल वन और ये एंगल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी सी मिल जाएगा। यहाँ इन दोनों की जगह हम लिख देंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ एंगल थ्री है हमारा और ये फोर है ना, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें सी एंगल मिल जाएगा, तो इसका नाम क्या है, बी सी डी है, तो एंगल बी सी डी लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे एंगल बी सी डी, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये लिखेंगे स्पेसिफाई करेंगे, बट दे आर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर
angles and they are equal, they are equal, hence AB is parallel to AB is parallel to C. बस इस तरह से हमें फाइनल आंसर फाइनल कंक्लूजन लिख देना है. ठीक है, तो फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आता ही है. तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने पी क्यू और आर एस पैरेलल है, हमने पी ई और यहाँ पे ई दे दिया था, हमने मार्क कर दिया था और यहाँ पे एफ मार्क कर दिया था ना. बी ई परपेंडिकुलर टू सी एफ किया हमने, ठीक मार्क कर लेना था मुझे, ये बी ई पैरेलल टू सी एफ कर दिया था सबसे पहले हमने. हमें मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है फर्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन में, हमने बी ई परपेंडिकुलर टू सी एफ किया था, वो हो गया. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से एंगल वन और एंगल टू इक्वल, थ्री और फोर इक्वल. ठीक, फिर हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था उसकी हेल्प ली, बी ई और सी एफ को बोला पैरेलल लाइंस है तो एंगल टू और एंगल थ्री इक्वल हो गए बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेकेंड स्टेप में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता दिया. थर्ड स्टेप में हमने उसको डबल किया, रिप्लेस किया, हमें मिल गया हमारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो हमारी दोनों लाइन हो गई पैरेलल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, इट मींस लाइंस आर पैरेलल. ओके, आई होप आपको सारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. फिर भी यदि कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, आई विल आंसर योर क्वेश्चन. ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.